हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एहसन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं सीतापुर रोड की एक बहुत ही बेहतरीन गेटेड कॉलोनी में आपको मकान विजिट कराने के लिए। दोस्तों, इसमें मकान जो है मिल जाएंगे आपको मात्र 9,90,000 रुपये से जो है यहाँ पे मकान की स्टार्टिंग है। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर फैमिलियाँ शिफ्ट हैं दोस्तों, कुछ ही यूनिट जो है यहाँ पे बचे हुए हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये है IBIS ग्रुप का, और IBIS ग्रुप से हमारे साथ है शान भाई। जी, तो हेलो शान भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इस बार आप क्या लाए हुए हैं व्यूअर्स के लिए? ऐसन भाई, इस बार जिस साइट में हम आए हैं, इसका नाम है डिजायर होम। 400 मकान हमने यहाँ पे बनाए, जैसे कि हमने बंथराली में आपको दिखाया है, वैसे ही यहाँ पे हमने 400 मकान बनाए हैं। मात्र 9,90,000 रुपए का मकान, 9,90,000 का, 402 स्क्वायर फीट चार का। सौ दो स्क्वायर फीट देख का। सकते हैं कितने सारे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। लोग पोजेशन में रह रहे हैं, सामने आप देखेंगे रोड बनी हुई है, कार खड़ी हुई है, पार्क हुई हुई है आगे बार, और यहाँ पे सारे मकान बने हुए, सब लोग पोजीशन में रह रहे हैं। अपने हिसाब से लोगों ने मॉडिफिकेशन भी करा लिया, किसी ने डबल फ्लोर बना लिया, किसी ने टाइल्स लगाए, अपने हिसाब से लोगों ने मॉडिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये 804 स्क्वायर फीट का ये वाला? हाँ, ये 804 स्क्वायर फीट, 802 804, दो यहाँ पे वेरियंट्स में यहाँ पे मकान बना के दे रहे। और इस वीडियो ये वीडियो यहाँ की हमने इस बार इसलिए बनाई क्योंकि आप एक बेस्ट ऑफर लेके आए हैं। यहाँ पे जहाँ पे आप मकान देख रहे हैं, यहीं पे हम आपको प्लॉट भी दे देंगे। और अच्छा, प्लॉट का रेट रहेगा ऐसा भाई, सबसे बेस्ट रेट प्लॉट का 999 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट में यहाँ पे हम आपको प्लॉट भी दे देंगे। प्लॉट भी दे देंगे 999 नौ में सौ निन्यानबे रुपए पर स्क्वायर फीट में, और 9,90,000 रुपए का 402 स्क्वायर फीट का मकान रहेगा। 402 स्क्वायर फीट मकान ठीक है, रहेगा। तो अंदर से थोड़ा दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे मकान हाँ, बने हैं। और तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों साइड में जो है मकान बने हुए हैं। यहाँ पे जो मकान की फेसिंग आपको मिल रही है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के मकान मिल रहे हैं दोस्तों। बीच में जो है आपको 25 फीट की रोड मिल जाती है। अच्छा, मेन रोड जो आई हुई है वो भी 25 की है? मेन रोड है वो करीबन आपकी 30 फीट के आसपास तीस फीट रोड है। की है? यह जो आप देख रहे हैं करीबन 22 से 23 फीट की रोड है नाली छोड़ के। 22-23 फीट की। किस टाइप के जो है मकान है? और देख सकते हैं मॉडिफिकेशन भी अपने हिसाब से लोगों ने करे हैं। अच्छा, 402 स्क्वायर फीट का मकान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, लेकिन ये 402 स्क्वायर फीट का इसकी क्या होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है? 13.5 का फ्रंट है और 30 की डेप्थ है। ठीक है, जैसे कोई ये लेना चाहता है यहाँ पे। अभी दोस्तों व्यूवर्स थोड़ी देर वीडियो में रुकिएगा, पहले हम शान भाई से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि लोन लेने का प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको चल के जो है मकान दिखाते हैं। अब बाकी आप पीछे एक बार दिखा दीजिए, RCC की दीवार से देखिए चारों तरफ से कवर्ड है ये, मतलब आगे से जो है पूरी बंद है, पूरी बंद रास्ता है नहीं ये। जाने का, यही एक रो है। तो इसमें जैसे कि लोन प्रोसेस क्या है और कितना पैसा देना पड़ेगा, कैसे ले सकता कोई? 90% लोन यहाँ पे हम करा देंगे, चाहे आप 402 लीजिए, 804 लीजिए। प्लॉट अगर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट पे अगर लोन कराना चाहते हैं तो P+C लोन हो जाएगा, लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन हो जाएगा, वो भी 90% हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट प्लॉट ही खरीदना चाह रहा है तो वो कैश कराएगा। कैश कराएगा। तो हम जो आपको मकान दिखाएंगे ये वाला दिखाएंगे जी। 402 स्क्वायर फीट का मकान है दोस्तों। पार्किंग जो है आपको इसमें बाइक पार्किंग मिलने, क्योंकि छोटा मकान है, कार आप बाहर खड़ी कर सकते हैं। देखिए सबके पास कार है बाहर खड़ी, किसी तरह की दोस्तों यहाँ पे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका एलिवेशन है। फ्रंट में जो है आपको किचन की विंडो मिल रही है। अब हमारे इसके अंदर ड्रेनेज पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे रोड पूरी कंप्लीट है। अब चलते हैं मकान दिखाते हैं अंदर। ये सबसे अच्छा पहले पार्किंग मिल स्पेस दिया गया है यहाँ पे, बाहर एक आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ वॉश बेसिन लगाएंगे जी। ठीक है, ये आपका एंट्रेंस और ये विंडो। ये फ्रंट में आपको विंडो मिल रही है, ये जो होगा आपके डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया आ जाएगा और काफी स्पेशियस किचन के साथ में यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अभी देखिए मकान पूरा फिनिश नहीं है, अभी मकान पे पेंट नहीं हुई है, पुट्टी नहीं हुई है, गेट्स नहीं लगे हैं। ये देखिए किचन है इसका, काफी हैवी किचन है दोस्तों। 402 स्क्वायर फीट में काफी बड़ा जो है किचन मिल रहा है। यहाँ पे जो है फ्रिज रखने का स्पेस है, इधर से दिखा दिए। यहाँ पे दोस्तों फ्रिज आ जाएगी, अभी स्विच सॉकेट जो है इसमें लगना यहाँ पे बचे हुए। फ्रंट में जो है आपको विंडो मिल जाती है दोस्तों, इससे जो है रोशनी और वेंटिलेशन जो है यहाँ पे मिलता रहेगा। ये आपका हो गया डाइनिंग एरिया दोस्तों। यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी और जो है आपका सोफा भी पड़ जाएगा, गेस्ट भी आएगा तो यहीं पे बैठेगा। एक वॉशरूम जो है आपको मिल जाता है, ये एक वॉशरूम ये मिल रहा है, यहाँ पे जो है दरवाजा लग जाएगा। ये वॉशरूम हो गया एक, और एक जो है बेडरूम मिल रहा है, बेडरूम साथ में स्टोर रूम, साथ में स्टोर रूम। तो इसका साइज शान भाई कितना है बेडरूम का? 10x10, 10x10 का जो है इसका साइज मिल रहा है। और इस साइड में जो है स्टोर रूम मिल रहा है, स्टोर दिया गया। इसको चाहे आप स्टोर रूम बना सकते हैं, चाहे तो इसको वार्डरोब आप जैसे होता बना सकते हैं, चाहे तो आप इस पूजा रूम भी इसको बना सकते हैं, जैसा चाहे जो इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मकान जो है दिखा दिया है 402 स्क्वायर फीट का। अब आपको दिखाते हैं 804 स्क्वायर फीट का एक मकान। तो अपन जो हम आपको मकान दिखाएंगे ये वाला दिखाएंगे, ये है 804 स्क्वायर फीट का। तो इसका फ्रंट कितना हो गया शान भाई? 804 स्क्वायर फीट का फ्रंट करीबन 26x8 का फ्रंट आएगा, ऑलमोस्ट
30 के आसपास, 27-30 के आसपास फ्रंट उसका आपको मिल रहा है, मतलब काफी बड़ा। ये अंदर से 3 BHK बने हुए हैं क्या? और 804 स्क्वायर फीट का जो मकान बनेगा वो ऑन डिमांड बनेगा। अच्छा। ये जो बना है ये क्लाइंट के ऑन डिमांड बना है, उन्होंने जो जैसी भी ड्रॉइंग दी वैसा बना है, वैसा बना है। आप अपने हिसाब से अपनी ड्रॉइंग दीजिएगा, आपको 2 कमरे चाहिए, आपको 3 बड़े बड़े कमरे निकालने, तो आप वैसा भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपने बंथरा या और वीडियो में देखा है वैसा यहाँ पे हम आपको मकान बना के दे देंगे। दे देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शुरू ही में करनी चाहिए थी, करना भूल गए। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे क्या है, क्लाइंट आए कैसे, अगल बगल में क्या सुविधाएं, क्या क्या चीजें हॉस्पिटल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भाई, ये जो मेन लोकेशन है सीतापुर रोड छठा मिल चौराहा से रैथा रोड अंदर आईवी है, हाईवे से मात्र 10 मिनट का रास्ता है, पूरे रास्ते में मार्केट है और बहुत यहाँ पे मुश्किल से 200 मीटर पे कन्वेंस है। बिल्कुल अगर चाहे तो आप यहाँ से अंदर से IM पे भी निकल सकते हैं, काफी सारे रास्ते यहाँ से निकले हुए हैं। इधर ही वाल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एयरफोर्स स्टेशन भी यहाँ से सीधा आपका रास्ता निकला है। बहुत लोग अगर सीतापुर रोड के बारे में जानते हैं तो वो ऑलरेडी समझ जाएंगे, ये जो लैंडमार्क्स हैं बहुत बड़े लैंडमार्क्स हैं। चलते हैं मकान दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये मकान है जैसे शान भाई ने बताया ऑन डिमांड है, आप जैसा कहेंगे वैसा जो है आपके लिए बना दिया जाएगा जी। अब इन्हीं ने पार्किंग स्पेस अपना ज्यादा निकाला, रूम के साइज से 3 इन्हें बड़े निकाले हैं, अंदर 2 रूम बड़े बड़े निकाले हैं, एक टॉयलेट बाथरूम बाहर और एक अंदर दिया गया है। एक देख लीजिए यहाँ पे जो है टॉयलेट बनवाया है, एक ये हो गया, इतना बड़ा गेट हो जाता है, आराम से जो है आपकी कार भी खड़ी हो जाएगी इसके अंदर जी। ये एंट्री है इसकी, आगे का तो आपका लुक वही है जैसे 402 वाले में था। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग हो गया, ये आपका किचन हो गया, इधर एक रूम ये, एक रूम ये, एक रूम ये, एक रूम ये, काफी स्पेसिफ लग रहा है। लेकिन आइए पहले किचन दिखा देते हैं दोस्तों। ये किचन देखिए जैसे आपने 402 में देखा था सेम वैसा किचन है, लेकिन उससे जो है थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा है। यहाँ फ्रंट में विंडो है, यहाँ पे जो फ्रिज रखने के लिए स्पेस आपको दिया गया है, चौड़ाई जो है इसकी बहुत है। ये एरिया आपको मिल जाता है काफी बड़ा दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे आप सोफे आ जाएंगे, आराम से सोफे रख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपकी डाइनिंग टेबल भी आ जाएगी, दोनों काम यह कराएगा, ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। तो इस रूम का जो दोस्तों आपको साइज मिल रहा है 11x15 आपको इसका साइज मिल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा साइज आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे है। यहाँ पे जो है वॉल है, काफी बड़ा साइज जो है आपको इसका मिला जा रहा है। और यहाँ पे जो है आपको एक विंडो दी गई है, यहाँ पे विंडो है और एक बेडरूम जो है आपको इस तरफ मिल जाता है और ये उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा, सही बात। पहले तो अटैच टॉयलेट बेडरूम उससे भी बड़ा दोस्तों आपको मिल रहा है। इसका जो साइज है आपको जो इसकी लंबाई मिलेगी ये 20 मिल रही और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 है दोस्तों, बहुत बड़ा साइज जो है आपको। एक हिसाब से देखा जाए आपको ये हॉल लग रहा होगा, 2 बेड जो है आपके इसमें आराम से आ जाएंगे दोस्तों। बाकी जो घर का सामान है वार्डरोब है सब रख सकते हैं। एक अटैच वॉशरूम जो है आपको इसमें मिल जाता है, वॉशरूम का भी साइज देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो है वेस्टर्न सीट लग जाएगी, ये जो है स्पेस आपका नहाने के लिए हो जाएगा। इंडियन बाहर थी, इंडियन वाली बाहर थी, वेस्टर्न इसमें लगेगी। बाकी देख लीजिए पूरे में जो है टैस लगे हैं। अब आप बनवाना चाहें तो सेम जो है यही नक्शा बनवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप कोई और ड्राइंग देंगे तो वो भी जो है बन जाएगी। अच्छा, कोई और देंगे जब भी यही रेट में बनेगी, जो रेट बताए हैं अलग हो जाएगी कॉस्ट, रेट सेम रहेगा कवर्ड एरिया के हिसाब से। ठीक है, कोई बाहर से जीना भी करवाना चाहता है ऊपर तो दोस्तों करवा सकते हैं, इन्होंने ऊपर नहीं करवाया जीना, आप चाहें तो यहां से जीने भी मैक्सिमम सब चीजें हमने करी है, पार्क भी दिया गया है, पोल्स लगा दिए हैं, लाइट्स भी दे दी गई हैं पोल्स पे। तो अब जैसे कि हम 402 स्क्वायर फीट के मकान की बात करेंगे तो 9,90,000 रुपए, कोई 804 लेना चाहता है 19,80,000 रुपए, और अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहा है मकान के बगल में ही हम प्लॉट दे देंगे 999 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट पे। और मेन लोकेशन की हम बात करेंगे सीतापुर रोड छठा मिल चौराहा से अंदर आइए रोड है रैथा रोड, मात्र 10 मिनट के रास्ता, 10 मिनट का रास्ता है, पूरे रास्ते में मार्केट है अपनी पूरी, यहाँ पे 400 मकान की टाउनशिप है जैसे कि वीडियो में हमने आपको दिखाया है। और पूरे रास्ते में जो है रोड भी बनी हुई, ये भी नहीं कि कहीं पे रोड हो गड्ढा हो, बढ़िया जो है डामर वाली रोड बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। तो शान भाई रेट बता चुके हैं, लोन का प्रोसेस जो है आप लोगों को पता चल चुका है। अगर किसी भी तरह का जो है कंफ्यूजन है तो नीचे नंबर दिया गया है, पहला नंबर जो है शान भाई का है, कॉन्टेक्ट करके जो भी डिटेल चाहिए आप ले सकते हैं, विजिट करने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।